लिए। मरी से हैदर इस्लाम अब्बासी खबर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल रवात मरी में मोहतरम उस्ताद मसूद रहमान अब्बासी की याद में तहज़ीबी रिफ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी MPA मेजर रिटायर्ड लताफत सती और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन रावलपिंडी जनाब बशीर अहमद ने शिरकत फरमाई। हाजरीन में DEO एलिमेंट्री मुश्ताक अमन सयाल, डिप्टी DEO मरी अतीकुरहमान अब्बासी, डिप्टी DEO रावलपिंडी डॉक्टर बाजरा राजा ताहिर, रहनुमा पंजाब टीचर यूनियन सदर पंजाब टीचर यूनियन डॉक्टर इम्तियाज अहमद अब्बासी, चेयरमैन यूनियन काउंसिल रवात जनाब सरदार साजिद रशीद अब्बासी, सरदार खादम हुसैन राजा सईद और शकील अब्बासी और मोजीन इलाके ने शिरकत की। इस तकरीब में मसूद रहमान अब्बासी की याद में और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए महमूद रहमान मेमोरियल लाइब्रेरी का इनेकाद और ऐलान किया गया, जिसमें मेजर लताफत सती ने लाइब्रेरी के लिए 10 लाख की ग्रांट देने का ऐलान किया। मेजर रिटायर्ड लताफत सती का मसूद रहमान अब्बासी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहना था कि मसूद रहमान अब्बासी साहब ने अपनी जिम्मेदारियां बतौर टीचर आसान तरीके से निभाई, हम इसे उस्ताद को कभी फरामोश नहीं कर सकते, इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। इस लाइब्रेरी के बारे में असातिज़ा का कहना था कि ये लाइब्रेरी हर इस खास व आम के लिए खोल दी जाएगी। इस लाइब्रेरी का क़याम न सिर्फ बच्चों की जहनी सलाहियतों को उभारने में अहम किरदार अदा करेगी, बल्कि इस लाइब्रेरी से बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल के दौर में किताब बीनी और किताब दोस्ती से हम आहंग करना भी है। ये धरती अपने मौसम को भूलती नहीं है। हमारे गांव साहब एक्सीडेंट में खोद हो गए, उनका डालने एक दूसरे गांव से था लियोट से, और उनके वाले साहब यहाँ होंगे इकबाल साहब। हमने फैसला किया कि हम उसको क्या तोहफा दे सकते हैं। भाई उस दुनिया में इंसान बहुत कुछ करता है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी औलाद के लिए, लेकिन उसका सबसे कीमती असासा वो है जो वो इस दुनिया में छोड़ के जाए और लोग जो है वो उसको अच्छी जुबान से उसके और साफ जो है बयान करते हैं। सऊदी रहमान साहब से मेरी मुलाकात एक दो दफ़ा हुई, इंतहाई रहम दिल खुश अखलाक आला ज़र्फ के मालिक इंसान थे, रोज कॉन्टैक्ट नहीं रहा था। तो मैंने अपने एक साथी को कहा कि उनकी जो खूबियाँ थी वो सारी की सारी मुझे लिख के दें, ताकि मैं भी उनके एजाज़ में कोई तारीफी कलमात कह सकूँ। तो उसमें एक खूबी जब उन्होंने मुझे लिख के दी कि लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते थे, कि वो इस कदर नेक ईमानदार दयानतदार शख्सियत के मालिक थे कि लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते थे।